खजुराहो वैसे तो मंदिरों के लिए जाना जाता है और यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, लेकिन छतरपुर का खजुराहो अपनी लव स्टोरी के लिए भी पहचाना जाने लगा है, क्योंकि फेसबुक से एक दोस्ती का अनोखा मामला सामने आया जहाँ पर विदेशी लड़की को देसी दूल्हा भाग गया। खजुराहो के रहने वाले हैं। दरअसल फेसबुक पर 1 साल पहले दोस्ती हुई और उसके बाद विदेशी लड़की जो कि कहाँ की है बताते हैं आपको। खजुराहो के युवा को अपना जीवन साथी बनाने का उन्होंने ठान लिया। खजुराहो के रहने वाले सचिन सिंह जो हैं उनसे पेरू की रहने वाली ब्रियट एंड सेल्मा जो हैं उनकी दोस्ती हुई। फेसबुक पर पहले दोस्ती हुई और फेसबुक पर दोस्ती के बाद दोनों की मुलाकातें हुई। जब वो यहाँ इंडिया घूमने आई तब मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों में बड़ा प्यार बढ़ गया और एक दूसरे को 7 जन्मों के लिए जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। ब्रिटेन अमेरिका से भारत घूमने के लिए दरअसल वो आई थी और उन्होंने सचिन से शादी करने का फैसला कर लिया। बहुत बड़ा फैसला होता है। विदेशी लड़की ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत दोनों ने मिलकर कलेक्ट्रेट में इसको लेकर आवेदन किया है कि वे शादी करना चाहते हैं। बता दें आपको कि पिछले 25 दिनों से खजुराहो की वादियों में ही खजुराहो के मंदिरों में ही घूम घूम कर ये जोड़ा जो है ये वक्त बिता रहा है और विवाह जब पंजीयन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये प्रेमी जोड़ा पेरू में ही बस जाएगा, पेरू में ही ये रहने लग जाएंगे। आपको बता दें कि ब्रियट एंड सेल्मा पेरू की ही रहने वाली हैं जो विदेश में आई और उनको इंडिया बड़ा भाया और इंडिया के ये जो युवा हैं ये बड़े भाई और इन्होंने ये फैसला कर लिया कि 7 जन्मों का जो बंधन हमारे भारत में कहा जाता है, विवाह जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर करेंगी वो। और इसके लिए उन्होंने आवेदन भी दे दिया है और ये तय किया है कि विवाह करने के बाद ये पूरा ये जोड़ा जो है ये दोनों जो हैं ये पेरू में जाकर बस जाएंगे। तो ये वाकई में अनूठी कहानी, प्रेम कहानी सामने आई, खजुराहो से सामने आई, क्योंकि खजुराहो को प्रेम नगरी भी एक प्रकार से कहा जाता है। खजुराहो वैसे मंदिरों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ खजुराहो जो है वो प्रेम नगरी के नाम से भी अब इसी वजह से प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं, कई बार यहाँ की रीति नीति से और यहाँ के रीति रिवाजों से इतना प्रभावित होते हैं कि यहीं पर वो शादी भी करते हैं। विदेशी जोड़े भी यहाँ पर भारतीय रीति रिवाज से शादी करते हैं और कई जो सिंगल आते हैं वो डबल यानी कि जोड़ा बनकर जाते हैं और यहाँ पर शादी की रस्में निभाते हैं।